भगवान महावीर एक नगर से दूसरे नगर का भ्रमण करते रहते थे। एक बार उन्हें किसी गांव जाना था। उस गांव को जाने के दो रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था जो आरामदायक और आसान था। दूसरा रास्ता छोटा था मगर वो एक भयानक जंगल से होकर जाता था। महावीर ने छोटे रास्ते से जाने का निर्णय लिया। कुछ ग्वालों ने उन्हें उस रास्ते से न जाने के लिए कहा, क्योंकि उस रास्ते के जंगल में एक प्राण घातक सांप भी रहता था। उस सांप का नाम था चंड कौशिक। वो किसी को भी उस रास्ते से नहीं जाने देता था। महावीर छोटे रास्ते से जाने के लिए ही अटल रहे और कभी भी किसी प्रकार का उन्हें भय नहीं हुआ। उन्हें न तो अपने बारे में चिंता थी और न अपने सुख की कोई फिक्र। चलते चलते कुछ समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से गुजरने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। महावीर वहां रुके और ध्यान करना शुरू किया। तभी चंड कौशिक नामक वो सांप वहां आया और मार्ग के बीच खड़े हुए एक मनुष्य को देखा। चंड कौशिक अपने क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को नहीं सह सका। उसने महावीर पर जहर भरी फुफकार मारी। महावीर स्वामी बिल्कुल अविचलित रहे। उन्होंने उस क्रोधी सांप की ओर देखा भी नहीं। ये देखकर सांप को और ज्यादा क्रोध आया। वो क्रोध से अंधा हो गया और फुफकारते हुए और जहर उगलते हुए आगे बढ़ा और भगवान महावीर के पास जाकर उनके पैर में काट लिया। भगवान महावीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। उनके पैर से सफेद रंग का दूध जैसा द्रव बहने लगा। सफेद रंग जो प्रेम और करुणा का प्रतीक है। महावीर स्वामी ने सांप की आंखों में देखा और कहा, समझो चंड कौशिक, समझो शांत चंड कौशिक, शांत। आखिर सांप को शांति और प्रेम का संदेश मिल गया। उसे पता चल गया कि वो कौन थे और क्या कर रहे थे। वो शांत हो गया और धीरे धीरे अपने बिल में चला गया। प्रेम और दया के कुछ ही शब्दों का ये था जादुई असर।